नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। सूबे में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। खासकर भागलपुर में जो है कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सूबे में 9 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन जो है खासकर भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा जारी रहेगी, मेडिकल दुकानें खुली रहेगी और खासकर जो है किराना का जो दुकान है वह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी। खासकर देख सकते हैं कि लॉकडाउन होने के बाद शहर में जो है बेवजह सड़क पर घूमने वालों का जो है पुलिस जो है चालान काट रही है। खासकर ऐसे लोगों का चालान काट रही है जिनके फेस पर मास्क नहीं है और जो बेवजह लॉकडाउन में जो है बेवजह घर से बाहर निकले हुए हैं। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जो है सभी सेंट्रल कार्यालय और राज्य सरकार के कार्यालय कुछ छोड़कर बाकी खुले रहेंगे और राज्य के जो है समाहरणालय और कोषागार खुला रहेगा और खासकर जो है अति आवश्यक सेवाएं जो है वो बाधित नहीं की गई है। आवश्यक सेवाएं जैसे कि जो है किराना दुकान और जो है मेडिकल दुकानें खुली रहेगी और खासकर समय निर्धारित किया गया है किराना दुकान को लेकर। सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक दुकान खुली रहेगी और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक किराना की दुकान खुली रहेगी। इस दौरान जो है लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर जो है पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूलेगी। आप देख सकते हैं भागलपुर का ये जो है तिलका मांझी का चौराहा है, आए दिन यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है लेकिन यह जो है लॉकडाउन के दौरान जो है सुना है सभी दुकानें बंद पड़ी हुई है। खासकर कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जो है भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव सुल्तानगंज शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन जो है लागू किया है। कोरोना संक्रमण का मामला जो है ग्रामीण क्षेत्र के बाद क्षेत्र से अब शहरी क्षेत्र में जो है ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जो है 9 जुलाई से 16 जुलाई तक यानी एक सप्ताह तक जो है शहर में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के बाद का नज़ारा ये आप देख सकते हैं। ये भागलपुर का जो है तिलका मांझी चौक का चौराहा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है घर बेवजह जो है लोगों से पूछताछ कर रही है। खासकर जो है ऐसे लोग जो कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकले हैं और जो बेवजह जो निकलते हैं, वाहनों की सघन जांच की जा रही है भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चरपहिया वाहन की जो है सघन से तलाशी ली जा रही है। लॉकडाउन के बाद जो है शहर में लॉकडाउन के बाद जो है जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है, भागलपुर पुलिस जो है काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। सभी दो पहिया और चार पहिया वाहनों की सघन जांच की जा रही है, सघन से तलाशी ले जा रही है। खासकर जो है बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की जो है वो पुलिस जो है उससे जो है सख्ती से पेश आ रही है। आप भी जो है बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को आप सहयोग करें, लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, ये आपके समाज और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद का ये नज़ारा है, किस तरह से भागलपुर पुलिस, भागलपुर जिला प्रशासन लॉकडाउन लागू सख्ती से करवा रही है, जिसको लेकर काफ़ी जो है पुलिस फोर्स मुस्तैद की गई है। सभी जो है दो पहिया और चार पहिया वाहनों की सघन से तलाशी ली जा रही है और खास करके जो है लॉकडाउन में हम आपको बता दें कि अति आवश्यक सेवाएं जो है उसको बाधित नहीं किया गया है। मेडिकल की दुकानें खुली रहेगी और जो है सब्जी की दुकान, किराना के दुकान जो है सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक दुकान खुली रहेगी। आप देख सकते हैं ये जो है भागलपुर जो है तिलका मांझी चौक का नज़ारा है और किस तरह से लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए भागलपुर पुलिस, भागलपुर जिला प्रशासन जो है मुस्तैद है और हर तरह के सभी तरह के दो पहिया और चरपहिया वाहनों की सघन से तलाशी ली जा रही है। और खासकर हम आपको बता दें कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्यालय हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कार्यालय को छोड़कर बाकी सभी कार्यालय, समाहरणालय, कोषागार खुले रहेंगे, एटीएम खुले रहेंगे और अति आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, सब्जी, ये किराना की दुकानें, ये सारी दुकानें जो है खुली रहेगी, मेडिकल की दुकानें खुली रहेगी और
खास करके अभी आप देख सकते हैं ये पूरा जो नज़ारा है, ये पुलिस की मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए मुस्तैद है। सभी जो है दुपहिया और चरपहिया वाहनों की सघन से जाँच की जा रही है, और ख़ासकर जो है बेवजह जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको जो है उनसे पुलिस जो है जाँच कर पूछताछ कर रही है, और ख़ासकर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर जो है पुलिस चालान काट रही है, और ख़ासकर ऐसे लोगों के चालान काट रहे हैं जिनके फेस पर मास्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो पुलिस की ये मुस्तैदी है लॉकडाउन को लागू करवाने के लिए, बेवजह घर से निकलने वालों की जो है तलाशी ली जा रही है, सभी गाड़ियों की जो है सघन से तलाशी ली जा रही है, और पुलिस जो है भागलपुर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जो है लॉकडाउन को लागू करवाने के लिए मुस्तैद है।